अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? मैं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू शो। कुछ लोग पहले मैंने आपसे, सबसे पहले तो 100 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए मुकम्मल, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आप सब लोग। और कुछ लोग पहले मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि मैं बाइक के साथ इस तरह काम करूँगा कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते बाइक के साथ भी ये हो सकता है। तो आज उसकी एक छोटी सी झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। कैमरामैन, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ वीडियो। आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, खैर आज हम करने कुछ ये वाले हैं कि हम 125 को डेड ड्रॉप करने लगे। डेड ड्रॉप यानी कि ये व्हील यहाँ तक टच हो जाएगा, यानी ये शॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, 125 को कोई डेड ड्रॉप करता है ये? क्योंकि ये होता ही नहीं है डेड ड्रॉप। लेकिन एक मैंने जुगाड़ लगाया, एक मैंने इसका हिसाब लगाया, उसके साथ ही डेड ड्रॉप हो सकता है। तो आज हम वही करेंगे। और ये बड़ा ही मुश्किल काम है, इसलिए मेरे हाथ में से तो नहीं है ना, मैंने इसलिए एक एक्सपर्ट बंदे को बुलाया, वो आकर ये काम करके देगा। और बस आप चेक करने के आ सकते हैं। अच्छा, डेड ड्रॉप कुछ हमने ऐसे करनी है कि हमने शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग को हमें निकाल देना है, तो ये खुद ही सारा फुल डाउन हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले व्हील खोलना पड़ेगा। तो बोलो कभी कुछ भी कर सकते हैं, पहले व्हील जरा खोल लें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम सारा। जब से शुरू होता है हमारा रियल काम, जो कि है शॉक के स्प्रिंग निकालना। Another day to lose control. There's a fire in my bones. My psyche. ये है जी शॉक ऑब्जर्वर। ये जो चीज़ होती है ना, ये रॉड सा, इसके अंदर होता है स्प्रिंग। उस स्प्रिंग को हमें निकालना है, इसी तरह दोबारा फिट कर देना है, और वो बाइक नीचे हो जाएगी और फिर वापस ऊपर नहीं आएगी। ऊपर आएगी लेकिन वो वापस फिर नीचे हो जाएगी, यानी कि जिस तरह एक नॉर्मल स्प्रिंग काम करते हैं, वो जंप लग के फिर वापस ऊपर आ जाता है, ऐसे नहीं होगा। नीचे चलेगी तो चलेगी, फिर वापस ऊपर नहीं आनी। इस तरह हमारी हो जाएगी डेड ड्रॉप। ये इतना ऑब्जर्वर, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक शॉक वाले स्प्रिंग वाले ऑब्जर्वर और उसके बगैर वाले में क्या फ़र्क है। ये जो है इसके अंदर स्प्रिंग नहीं है, ये इसको मैंने दबाया और ये वापस नहीं आना। ये है स्प्रिंग वाला, इसको मैं अगर दबाऊँगा ये देखें ये वापस आ रहा है। तो ऐसे ही बाइक के साथ होगा, वो एक ही दफ़ा नीचे बैठ जाएगी और फिर ऊपर वापस नहीं आएगी। तो अभी इसको मैं फिट करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ क्या ये सीन बनता है। ये ज़्यादा लोग YBR के साथ करते हैं, लेकिन मैं करूँगा होंडा 125 के साथ। ओए बाइक हमारी फुल डेड ड्रॉप हो चुकी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा 125 के साथ कोई ऐसा कर सकता है। ये चेक कर, बिल्कुल मेरे हाथ बहुत गंदे हैं क्योंकि मैं काम करके आया हूँ। बिल्कुल दो उंगलियों का, दो भी बड़ी मुश्किल से उंगलियाँ जा रही हैं, इतना फर्क है। एक बार और लुक चेक कर, वाई बी आर को चप्पे अगर आ रहा है कि नहीं, खुद बताना है आपने। अच्छा, अब जो मेन सवाल है कि ये बाइक चलेगी कि नहीं इस तरह। अरे ये देखें एक दफ़ा यार, बॉटम ये कवर के बीच ही चल गए हैं, वो ग्लासियाँ होती हैं यहाँ पे बिल्कुल अंदर चली गई हैं, और यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है, कोई वो अल्टरेशन नहीं की, कुछ प्रॉपर फिटिंग के साथ बस कुछ स्प्रिंग निकाल दिए, बाकी सब कुछ अपनी जेन्युइन जगह पे फिट है। और जब से मैंने किया है ना, मेरे दिल कर रहा है पीछे वाले को भी ड्रॉप कर दो, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, अभी तो मैंने इसको, अभी मैं इसको नहीं चाहूँगा, बहुत धूप है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया। शाम को इसको लेके जाएंगे दोस्तों के पास, ज़रा रिएक्शन वगैरह चेक करेंगे। लेवल हो गया यार, एक पाइप यार तो चप्पे ज़रूर करा रहा है। अब तो यार अभी ना मैं ज़रा जा कर सोने लगा, फिर नहा दो के दोस्तों की तरफ लेके जाएंगे। बाइक में फुल गंदी मंदी हो गई है, इसको भी ज़रा साफ सूफ करके लेके जाते हैं। आज वीडियो वगैरह बड़ी बननी है।
अच्छा रेस्ट वगैरह खैर मैंने कर लिया, अदर चलते हैं दोस्तों इधर, फोन रिएक्शन लेते हैं ये डेड रॉक का। अरे बाइक चलते हो कैसे लगी? ओहो चलाई कैसे जाएगी? बोर्ड जंप लगने हैं, खैर मज़ा तो आएगा। मुझे पहले बाइक अंदर कोल्ड स्टार्ट कर लें, कोल्ड स्टार्ट खत्म कर लें, काफ़ी दिन हो गए मैंने बाइक निकाली नहीं। बट हेलो ये क्या हो गया? सही है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मैं अभी आया हूँ दुल्ला की तरफ और उसका रिएक्शन मैंने देना कैसा होगा इसको देख के। ओए 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 यार एंड अखीर लग रहा है। ऐसे ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ ही है कि स्प्रिंग तार दिया नीचे आ गया। जो रियल स्टैटिक होता है उसमें करना ये होता है, ऑब्जर्वर होते हैं ना उनको यहाँ से वो बाहर निकालते हैं, और ये उसके लिए एनक भी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वो ऑब्जर्वर बाहर निकाल के यहाँ से वो टाइट हो जाते हैं, और हैंडल भी चेंज करना पड़ता है। और इतने पैसे आपके बाइक पास नहीं है इसलिए ये सिंपल काम ही हमने कर लिया है। यार लुक आ रही। अच्छा अभी मैं चला गया हूँ बाइक, तो हुआ कुछ ये कि नॉर्मल स्पीड स्मूथ चलती है, हल्का सा जंप आता है तो बाइक पर जम चला जाता है। ये मुसीबत ही है वैसे, और अगर मेरे पापा ने देख लिया ये तो बहुत मुझे डांट पड़नी है। अल्लाह की कसम तेरा फेस नहीं। अच्छा आप लोगों को लग रहा है इरफान किंग कोई छोटा मोटा यूट्यूबर है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ स्टैटिक नहीं किया आपके भाई ने, एयर सस्पेंशन भी लगाई है। मैं भी आपको ज़रा चेक करा नहीं आता तो अब्दुल्ला मैं आपको ज़रा एयर सस्पेंशन चेक कराता हूँ, उसके पहले डबल स्टैंड लगाना पड़ेगा। ओए अब्दुल्ला लगाई यार। अच्छा अभी मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ एयर सस्पेंशन। दोस्त ज़रा इधर आए, कैमरा पकड़े आके दोस्त इधर आ, नहीं तो आता कैमरे में। हाँ कैसा ओ भाई हेलो, क्या कैमरा इधर कर, ये देखो अभी ये नॉर्मल हाइट पे ये ड्रॉप कर दी और फिर नॉर्मल आ गया। एक अब्दुल्ला जरा कोई डिफरेंट फील आ रही है ना, गियर तो निकाल वही अखीर लग रहा है वैसे अब्दुल्ला। अच्छा तो अब ये व्लॉग एंड यहीं पे होने लगा है, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा ड्रॉप करूं पीछे से भी ड्रॉप, तो वीडियो 20 लाइक कर दें और 100 सब्सक्राइबर का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया। ओके।